हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर वन मोर वीडियो। एंड आज मैं हूं आईएन इंजीनियरिंग वर्क्स में, बेंगलोर के अंदर पड़ता है ये। एंड मेरे साथ में है द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी मिस्टर कलीमुल्ला शरीफ। हेलो सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। दोस्तों आज हम एक छोटा सा फीडबैक लेंगे। हमने जो है शरीफ सर को जो है 2 किलोवाट की सीएनसी फाइबर लेजर कटिंग मशीन सप्लाई की है। एंड उनसे थोड़ा सा जानेंगे लाइक उनकी जर्नी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में। सो सर थोड़ा सा प्लीज अपने बारे में बताइए, लाइक आयन इंजीनियरिंग वर्क्स के बारे में बताइए, किस तरह का काम करती है आयन इंजीनियरिंग। आयन इंजीनियरिंग आके इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल जो ट्रे बनता है ना, ट्रे के लिए काम करते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल्स वगैरह जो भी बॉक्सेस हैं जी, जो टेक्निकली बॉक्स लगेगा एमसीबी के लिए जी, और जो वायर जाने के लिए बॉक्सेस होंगे वो बनाते हैं। ओके, एंड किन कंपनियों को सर आप ये पैनल बॉक्सेस सप्लाई करते हैं? ऑल इलेक्ट्रिकल कंपनी को हम सप्लाई करते हैं। ये 20 से 30 कंपनी है, जैसे आजम इलेक्ट्रिकल है, शाइन इलेक्ट्रिकल है जी, शाही इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारी कंपनी है। ओके ओके, ठीक है। एंड सर लाइक अभी आपने 2 किलोवाट का सीएनसी लेजर कटिंग मशीन परचेज किया है, इससे क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपके बिजनेस पे? बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, और बहुत अच्छा काम करना करके सोच के हैं, और आपका मशीन भी अच्छा है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। जरूर जरूर। तो मतलब जैसे आप पहले बाहर कटिंग कराते थे, टाइम वेस्ट होता था आपका, और मतलब उसमें उस बेस पे लाइक आपका बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत टाइम बच जाएगा, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। ओके, एंड क्या क्या आप कटिंग करने वाले हैं इस मशीन के साथ? इसमें जीएस शीट कट करने वाले हैं, एमएस शीट भी कट करेंगे, एसएस का भी काम रहेगा, और जितना मटेरियल है ना वो मटेरियल का हम यूज करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा सभी मटेरियल लगेगा उसमें, सभी मटेरियल। दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं सुनाना चाहूंगा आपको इस मशीन से, ऑर्डर से रिलेटेड। लाइक शरीफ सर ने मुझे मेरी लाइफ का पहला ऑर्डर दिया था, एंड मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सर का। लाइक सर आपने उस टाइम पे मेरी हेल्प की है जब कोई क्रेडेंशियल्स नहीं थे मेरे पास में, जब कोई मेरे पास में डेमो मशीन नहीं थी। हाँ, जान पहचान मेरी थी, लोग मुझे जानते थे, आप मुझे जानते थे, आप मेरे काम को जानते थे, बट फर्स्ट ऑर्डर देना और एक रिस्क लेना, लाइक आपने मेरे ऊपर रिस्क लिया है। नहीं सर, ऐसा रिस्क का कोई बात नहीं है, आपके ऊपर बहुत भरोसा था। मैं भी बहुत स्ट्रगल करके इधर आया हूँ, तो मैं भी कोई भरोसा नहीं करता था मेरे पास, बट मेरा अंदर क्या है बोले तो किसी के ऊपर बिलीव करना है तभी काम कर सकते हैं मार्केट। जरूर जरूर। सर टू बी वेरी फ्रैंक, लाइक मैं अपनी तरफ से कहूँ तो मतलब मेरे लिए एक अचीवमेंट है ये मशीन यहाँ लगाना। आपका भी ड्रीम है, बट मेरा बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है, मेरी लाइफ का पहला स्टेप आपकी वजह से रखा गया है। ऐसे कुछ नहीं सर, आपके मेहनत की वजह से आप आके इधर बैठे हैं, आपकी मेहनत की वजह से ये मशीन लगा है। बट मेरा भी एक ड्रीम था, इसीलिए मशीन लगा है। जी जी, लाइक सर क्या होता है ना, मतलब जब आप शुरू करते हैं तो पहला कदम रखना बहुत मुश्किल होता है, एंड बहुत ही कम लिमिटेड लोग होते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी को समझते हैं एंड उसको चांस देते हैं काम करने के लिए। आपने मुझे वो चांस दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ चांस नहीं है, आपके ऊपर बहुत बिलीव था मेरे ऊपर, आपके ऊपर बहुत भरोसा था, इसीलिए मैं ऑर्डर दिया था। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, शरीफ सर मेरे पास में 4 महीने पहले दिल्ली आए थे जस्ट टू मीट मी। हम मेरे से वहां के मिले एंड हमने थोड़ा सा दिल्ली घूमा, एंड सर ने मुझे शाम को ही ऑर्डर प्लेस किया। लाइक जाने से पहले सर ने मुझे एडवांस डाला, और ना मेरे पास में वहाँ मशीन था ना कुछ था, और मेरा कोई क्रेडेंशियल नहीं था, मेरा कोई ऑफिस नहीं था सर, कोई मेरा ऑफिस भी नहीं था एट दैट टाइम, बट स्टिल वी गेट दैट ऑर्डर बिकॉज कहीं ना कहीं हमने उस लेवल पे काम किया है। सर थैंक यू सो मच। मैं अगेन फिर से कहना चाहूंगा, लाइक मैं मेरे पास में शब्द नहीं है कहने के लिए इस वीडियो के अंदर, कुछ नहीं टू ही मोलिनस फॉर दिस मशीन, बट आपके ऊपर बिलीव किए, आप ऐसे ही काम किए और अच्छा भी काम करेंगे लाइफ में, मेरे को उम्मीद है कि आप अच्छे से काम करेंगे। जी जी जी। तो सर अभी जैसे आप इन हाउस फैब्रिकेशन इससे करने वाले हैं, फ्यूचर में और क्या प्लान्स आप कर रहे हैं? और कुछ नहीं सर, एक मशीन डाला हूँ, कुछ अच्छा लग गया तो एक और मशीन लगाना करके सोच के रखा हूँ थोड़ा, बट इसको अच्छे से रन करेंगे थोड़ा, 1-2 महीने के बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। जी जी। दोस्तों आयन इंजीनियरिंग वर्क्स बेंगलोर के अंदर है, एंड द लोकेशन इज श्यामपुरा मेन रोड। तो अगर कोई भी बंदा बेंगलोर से नियर बाई है, नागवारा के नियर बाई, या फिर ओवरऑल बेंगलोर के अंदर मैं कहूंगा, कोई भी कटिंग से रिलेटेड कुछ रहता है तो आप सर को कांटेक्ट कर सकते हैं गूगल पे, और मैं इनका नंबर भी आपको जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आयन इंजीनियरिंग वर्क्स।
सो आप डेफिनेटली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मशीन विजिट करना चाहें मशीन भी विजिट कर सकते हैं। 2000 वोट की सीएनसी लेजर कटिंग मशीन है विद अ कंप्रेसर एंड यूपीएस। हमने कंप्लीट सेटअप मशीन को दिया है, सर को दिया है। सो थैंक यू सर, कुछ और कहना चाहेंगे? कुछ नहीं सर, थैंक यू, कुछ नहीं सर। ओके ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा फीडबैक था। ये अपना फर्स्ट मशीन का ऑर्डर था जो सर ने हमें दिया था, एंड इट्स अ वेरी वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी इस वीडियो को बनाते हो। लाइक आई डोंट नो कि मुझे कहना क्या है नहीं कहना, बट आई मेक दिस वीडियो। सो आप बताइएगा कमेंट्स में वीडियो आपको कैसा लगा, मशीन कैसा लगा, एंड थैंक यू। मिलेंगे एक और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।